हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम कुछ बातें करना चाहते हैं आप लोगों से। कि वैसे तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं लखनऊ के SGPJ हॉस्पिटल में जॉब करता हूं, और यहां से रिलेटेड जो भी मतलब बेसिक नॉलेज होती है, जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो है, वो मैं आप सभी लोगों से साझा करता हूँ। कि जैसे OPD में मरीज को आप लोग पहली बार कैसे दिखा सकते हो, आपके रेफर में क्या लिखा होना चाहिए, मरीज को दिखाने के लिए क्या क्या जरूरी कागजात आपके पास में होने चाहिए, और किस दिन कौन सी OPD रहती है, और भी बाकी जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आप सभी को बताता हूँ, आप सभी को पता है। तो दोस्तों, जो मेरा मेन मोटिव है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये बात है कि बहुत से लोग देखिए दोस्तों, कि ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, PGI जो है बहुत बड़ी संस्थान है, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कौन सी एक बिल्डिंग दूसरी है, जांच दूसरी जगह होती है, OPD दूसरी है, इमरजेंसी दूसरी जगह है, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो दोस्तों देखिए, मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता हूँ, बात को समझिएगा। अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इस दिन ये डॉक्टर बैठेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर, ये डॉक्टर इस दिन OPD में मिलेंगे? तो मैं कहता हूँ कि हाँ, अगर OPD है, बहुत से लोगों को मैं यही कहता हूँ, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आपको पता होगा, आप लोग भी बहुत से लोग पूछते होगी कि सर, इस दिन सोमवार को ये डॉक्टर की OPD है, तो क्या इस दिन ये डॉक्टर मिलेंगे? तो मैं कहता हूँ कि हाँ, अगर उस दिन उस डॉक्टर की OPD है, तो वो जरूर मिलेंगे। अब बात को समझिएगा कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, इतने सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। अब कोई डॉक्टर इन केस इमरजेंसी अगर छुट्टी ले लेता है, या फिर वो उस दिन OPD में नहीं बैठता है, तो भाई मेरी गलती नहीं है ना उसमें। अब बहुत से लोग, और एक चीज़ और है कि सबको सीनियर डॉक्टर को ही दिखाना है यहाँ पे। तो मैं आपसे हरदम एक चीज़ ये भी कहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं, सब बेस्ट और अच्छे डॉक्टर हैं। कोई वैसे बात नहीं है कि जूनियर डॉक्टर देखेंगे आपके मरीज को तो अच्छे से नहीं देखेंगे, अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। सब अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे, तो आप लोग किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हो। पहली बात ये हो गई। बहुत से लोग पूछते हैं कि यहाँ पे सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन हो है। तो वैसे तो देखिए दोस्तों, हर डिपार्टमेंट के एक हेड डॉक्टर होते हैं, HOD जिसको बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले न्यूरोलॉजी के बेस्ट डॉक्टर थे, अब यहाँ पे VK पालीवाल सर हो गए। पहले जो थे वो प्रधान सर थे, यहाँ पे S प्रधान सर बेस्ट डॉक्टर। अब वैसे तो यहाँ पे आप सब अच्छे डॉक्टर हैं, VK पालीवाल सर हैं, और भी कई सारे डॉक्टर हैं। तो और जैसे कि कार्डियोलॉजी के बेस्ट डॉक्टर हैं, गर्ग सर हैं, गैस्ट्रो के गोयल सर हैं, और भी कई सारे सर हैं यहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे आप सब अच्छे डॉक्टर हैं, किसी को दिखा लीजिए। उसके बाद में अगर मैं यही कह रहा था कि अगर डॉक्टर बन के छुट्टी पे चले जाते हैं, तो भाई उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। मैं तो आपको बताता हूँ कि अगर OPD उस दिन है, तो भाई जरूर देखेंगे। अब दूसरी बात यह है कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सर, मैंने इस तारीख को जांच का सैंपल दिया था, तो ये जांच कितने दिन में इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी? तो जैसे कि कोई जाँच होती है, ब्लड जाँच होती है, बहुत सी ब्लड की जाँच जो है वो 24 से 48 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। कुछ ब्लड की जाँच ऐसे होती है जिनमें से 1 हफ्ते का टाइम लगता है, कुछ जांच ऐसी होती हैं जिसमें 15-20 दिन का टाइम लगता है। तो भाई देखिए, मैं हरदम सही नहीं हो सकता हूँ, ठीक है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ मैं बताता हूँ कि उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में वो बातें ना आती हो, या वो काम ना हो पाता हो। जांच मैंने बताया कि हाँ, 1 से 2 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, तो कभी कभी होता है 1-2 दिन का डिले हो जाता है, या वो ऑनलाइन अपलोड नहीं करते हैं, तो 3 से 4 दिन 5 दिन का भी समय लग जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं हर जगह नहीं पहुँच पाता हूँ, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, या अब बहुत सी जगह कुछ नया अपडेट होता है तो तुरंत मुझे नहीं मालूम हो पाता है, या मैं 2 3 दिन शायद जब मैं छुट्टी पे रहता हूँ या ड्यूटी चेंज होती रहती है, मुझे उस चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती है, मैं फिर बाद में मालूम करता हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो है मैं आपको कोई गलत जानकारी दूंगा। जो चीज़ मुझे नहीं पता होता है वो मैं नहीं बताता हूँ, जिस चीज़ की मुझे जानकारी रहती है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ, कहने का मतलब ये है। और अधिकतर दोस्तों जो है मैं आपको नवीन OPD से रिलेटेड जानकारी देता रहता हूँ। मेन होता है दोस्तों कि मरीज की फाइल यहाँ कैसे बनेगी। अब आप ये सोचिए कि अगर आपकी मरीज की फाइल बन गई यहाँ पे, तो आपका 50% प्लस काम हो गया। फाइल बन गई, फिर तो डॉक्टर देख लेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है रेफर, आपका कभी कभी दिक्कत होता है, रेफर में डिपार्टमेंट नहीं लिखा होता है, रेफर होता है तो जांच रिपोर्ट्स आप लोग नहीं लाते हो। अभी ये मेरे एक सब्सक्राइबर थे, बिहार से आए हुए थे, तो वो जांच की रिपोर्ट कोई लेके नहीं आए थे, उनके पास जांच कुछ नहीं थी, केवल वो एक MBBS डॉक्टर से रेफर करा के आ गए थे। तो भाई रेफर के साथ में जांच रिपोर्ट भी होना चाहिए। एक इसका मैं वीडियो बहुत पहले बना चुका हूँ कि पहली बार मरीज को दिखाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो मैं आपको अधिकतर बताता रहता हूँ, सभी को पता होगा। फिलहाल मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा कि अभी
नए मरीज को दिखाने के लिए कौन कौन से कागज आपके पास होने चाहिए कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको फिर से एक बार पूरा फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और यही सब चीज़ें हैं। और अब जैसे दोस्तों बायोप्सी की जांच जो होती है वो लगभग 14 से 15 दिन लग जाते हैं, 2 हफ्ते तक आने में। अभी तक भाई एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बायोप्सी जांच कराई थी, 15 दिन हो गए, अभी तक भाई उनकी जांच की रिपोर्ट नहीं आई है, मैंने अभी कंप्यूटर पे देखा था। तो कभी कभी कुछ चीज़ें पेंडिंग में हो जाती हैं, 2-3 दिन 4 दिन डिले हो जाता है, कभी कभी होता है ऐसा, और कभी कभी सर्वर की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो भाई ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैं बताऊँ वो हर चीज़ बिल्कुल सही हो, या आगे पीछे भी वो चीज़ें हो सकती हैं, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो यही बस मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों। तो कि आप लोग मन में गलत निगेटिव मतलब थॉट मत लाइएगा हमारे प्रति कि मैं जो चीज़ बताता हूँ वो गलत रहती है। बहुत से लोगों का कमेंट आता है अच्छी, कहते हैं कि सर मुझे आज मैं आपका वीडियो देखा था 2-3 दिन पहले, आज मैं OPD गया था, मेरा सारा काम हो गया। बहुत से लोग दोस्तों मैं आपको, अब वो शायद कमेंट मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, कि लोगों का कहना था कि सर मैंने आपका पहली बार वीडियो देखा था, 2-3 वीडियो देखे, काफ़ी अच्छा लगा, उसी के अकॉर्डिंग मैंने OPD में दिखाया, मेरा उसी दिन डॉक्टर फाइल बन गई, उसी दिन डॉक्टर ने भी देख लिया, दवा भी ले लिया, वापस भी आ गया। एक दिन में सोच लो दोस्तों मेरी वीडियो से जो है मरीज का सारा काम हो गया, फाइल बनने से लेके OPD में डॉक्टर को दिखाने तक दवा भी मिल गई उसी दिन। सोचिए बहुत से लोगों को हेल्प होती है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, हेल्प नहीं भी हो पाती है, तो वो समय समय का भाई होता है और सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके पेशेंट की सिचुएशन कैसी है। सिचुएशन जांच के लिए डॉक्टर बोलते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं वो जब तक आप लोग अपने पेशेंट को डॉक्टर को नहीं दिखाओगे वो सब उससे पहले क्लियर नहीं होगा। फिर डॉक्टर मतलब आपके मरीज की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन सी जांच होनी है, हर जांच में का टाइम अलग अलग होता है, ये सब डिपेंड करता है। तो मैं आपको केवल बेसिक नॉलेज देता हूँ कि आप लोग कैसे दिखा सकते हो, क्या प्रोसेस रहता है, स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी ठीक है, तो इस ब्लॉग को दोस्तों मैं यहीं पर ऐड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो चैनल पर जितने लोग पहली बार देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। बात करने के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।